नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरे फॉर्मूले के चौथे एग्जांपल के ऊपर। जी हाँ, अभी हम जो सीरीज कर रहे हैं एरे फॉर्मूला का सीरीज कर रहे हैं, और इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड की है एरे से रिलेटेड। आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आगे आने वाले एरेज की वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोज आपको मिलते रहें। और कभी भी किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि क्या हम लॉजिकल ऑपरेटर को एरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इससे पहले बताया कि मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसका यूज करते हैं। तो क्या हम लॉजिकल ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? ये होता है ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये सारे ऑपरेटर जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? जी हाँ, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैसे? जी बताते हैं। आप मेरे पास दो लिस्ट है, जैसे दो लिस्ट है मेरे पास। अब मुझे देखना है कि दोनों का सीक्वेंस सेम है या नहीं। तो मुझे पता करना है कि ए इसमें है या नहीं, उसके हम तो मैच फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन मुझे बस इतना पता करना है कि दोनों का सीक्वेंस एक जैसा है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इसको इक्वल टू इसको करेंगे, ये आपका ट्रू आएगा। अब कहीं पे फॉल्स आया, इसका मतलब है कि सीक्वेंस सही नहीं है। तो यहाँ पे हम एक सेल में रिजल्ट रिजल्ट चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल सा सम करेंगे, और सम में हमने इसको सेलेक्ट किया, दैट इज इक्वल टू इसको सेलेक्ट, हो गया। और अब ऐसे तो होगा नहीं, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा। उसको आपको मल्टीप्लाई 1 इसलिए क्योंकि ट्रू इक्वल टू 1 होता है एंड फॉल्स इक्वल टू 0 होता है। और इक्वल टू आप यहाँ पे काउंट लगा दीजिए, काउंट ए, सॉरी काउंट ए, ताकि पता चले कि नंबर है कितने। अब एंटर प्रेस कीजिए, ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा। वैल्यू है, ओके। हाँ, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ट्रू आया। एक नाम भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं, तो देखिए फॉल्स आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ? अब इसने वर्क कैसे किया, एक बार फॉर्मूले को देख लीजिए। इसने वर्क कैसे किया? इसने वर्क किया है, एवलेट फॉर्मूला में पता चलेगा कि काम कैसे कर रहा है। एवलेट फॉर्मूला में देखिए, पहले सबसे सबको इक्वल किया, जहां जहां ट्रू है सब जगह पे ट्रू आ गया। फिर 1 में इसको मल्टीप्लाई किया तो ये ट्रू 1 बन गया। फिर सम ने सम कर लिया, फिर हमने काउंट जो है काउंट आ गया कि नंबर ऑफ टोटल नेम्स जो है 6 है और इक्वल भी 6 ही है, तो यहाँ आपका है। लेकिन अगर मुझे पता करना हो कि भाई इसमें और इसमें क्या ये नाम इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बस मुझे ये पता करना। सारे नाम ऐसा तो नहीं है कोई नाम एग्जिस्ट ना करता। तो ये चीजें भी हम कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए तो मैं सिंपल यहाँ मैच लगा दूंगा। मैच से मैं यहाँ पे अपना रिजल्ट निकाल लूंगा, लेकिन मैच हम ना लगा के हम काउंट इफ भी लगा सकते हैं। यहाँ इक्वल, यहाँ पे सम देना होगा क्योंकि न्यूमेरिक आता है, सम, काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट, यहाँ पे हमने एंटर, रिजल्ट 6 आ गया। हालांकि 6 के 6 जितने भी है इसके अंदर। तो इस तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं,
और आगे चल के और भी लॉजिकल ऑपरेटर के इस्तेमाल हम आपको बताएंगे कि क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का और इस्तेमाल। तो मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे वीडियोज को देखते रहें। अगर आपको कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं, और साथ में आप हमारे साथ लाइव जूम ऐप पे क्लासेस भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।